वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय चैनल रियाज व्लॉग। तो दोस्तों, आज की बिग अपडेट है, बिग न्यूज़ है, जो सबको, जितने भी जो गल्फ में काम करने वाले हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी है, जो अपने अपने मुल्क जाना चाहते थे, अपने मुल्क इंडिया के लिए। बाकी की तो सब चालू हो गया था फ्लाइट, लेकिन इंडिया की चालू नहीं हुई थी, इंडिया की अब चालू हो गई है। तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि अगर जब इंडिया पहुँचोगे, आप एयरपोर्ट पे जाओगे, तो आपको क्या क्वारंटाइन करा जाएगा, 14 दिन रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, या अगर 14 दिन रखते हैं आपको तो उसका जो पैसा है, आपको कहीं पर भी रखते हैं तो उसका जो पैसा है वो कौन भरेगा, आप भरोगे या गवर्नमेंट भरेगी। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ, चलिए। हेलो दोस्तों, रियाज विलोज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ तो दोस्तों, इंडिया के लिए फ्लाइट चालू हो गई है 7 मई 2020 को। यहाँ से सऊदी अरेबिया से या कतर से, दुबई से, हर जगह से, यहाँ से आपको इंडिया जाने के लिए परमिशन मिल गई है। जो हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने परमिशन दे दी है कि आप लोग आ सकते हो। जो भी जो जाने वाला था, जो छुट्टी पे जाने वाले थे, जो एग्जिट जाने वाले थे, जो विजिट पे आए थे, वो जो जाने वाले थे, जो उन लोग जो एप्लीकेशन दिए थे पहले, तो उन लोगों का नंबर आ गया है, तो अब वो उनका नंबर आ गया, अब जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं करा है अभी, अगर फॉर्म फिलअप नहीं करा है तो आप लोग कर लो, फिर उसके बाद में जो सेकेंड टर्म आएगा उसके बाद में आपका नंबर आएगा। क्योंकि जो भी जितना भी डाटा जमा होता है, आप जैसा फॉर्म भरोगे उसके बाद में आपका डाटा जमा होता है, इंडिया जाता है, वहां से फिर कितना पब्लिक को बुलाना है, क्योंकि उन लोग को भी इंतजाम करना पड़ता है ना कि आपको क्वारंटाइन रखेंगे वहां पे। जाने के बाद में 14 दिन आपको क्वारंटाइन दिया जाएगा वहां पे। जो जैसा आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, आपके साथ में जो भी इलाज वगैरह, जो भी उन लोगों का जो काम है वो आप आगे बढ़ेंगे। लोग जो 14 दिन का क्वारंटाइन है वो रखेंगे, स्कूल हो या हॉस्पिटल हो या कॉलेज हो या स्टेडियम हो, जहाँ पे भी उन लोगों को सहूलत मिलेगी वहाँ पे आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। और जहाँ जितना क्वारंटाइन करेंगे, 14 दिन रहोगे आप, 14 दिन का खर्चा रहेगा आपका, गवर्नमेंट नहीं पे करेगी, आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद में फिर 14 दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आपका कोरोना टेस्ट वापस से होगा, आप सब क्लियर हो तो आपको घर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो हैप्पी, क्योंकि आप बहुत बहुत लोगों को जो बेचारे छुट्टी लगा लिए थे, जो एग्जिट जाने वाले थे, लोगों के लिए आसान बात हो गई कि कब चालू होगा कब चालू होगा। सब अपने अपने मुल्क जा रहे, जो हिंदुस्तान वाले, जो हिंदुस्तानी है, जो हमारे हिंदुस्तानी भाई है इंडिया वाले, वो नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो आप खुशी खुशी जाइए, लाइफ इंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ में, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दुआ में याद और दावतों में भी याद रखिए, ठीक है। चलो, अस्सलाम वालेकुम।